हेलो बच्चों, मैं दीपराज आपको पढ़ा रहा हूँ केमिस्ट्री। आप सब कैसे हैं? आप सब अच्छे हैं? केमिस्ट्री में आज हम शुरुआत कर रहे हैं। क्लास इलेवेंथ में सेकंड चैप्टर है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, उसका सेकंड लेक्चर होने जा रहा है। सेकंड लेक्चर की शुरुआत कर रहे हैं किससे? हम डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड स्टडी ऑफ कैथोड रेज से। डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड स्टडी ऑफ एनोड रेज से। पिछले लेक्चर में हमने बताया कि एटम किस टाइप का होता है। भाई सबसे पहले जो जॉन डाल्टन ने 1808 में अपनी थ्योरी फॉरवर्ड करी थी, उन्होंने बताया था एटम क्या है। एटम एक इंडिविजुअल पार्टिकल है, सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल है मैटर का। लेकिन उनकी 80 से 90 ईयर उनकी थ्योरी होल्ड पर रही। उसके बाद 19th सेंचुरी के स्टार्ट में और 18th सेंचुरी के लास्ट में बहुत सारे साइंटिस्ट हुए, उन्होंने अपने अपने थॉट रखे लोगों के सामने। तो उनकी थॉट से जब उन्होंने अपने कुछ एक्सपेरिमेंट दिए तो सबसे छोटे पार्टिकल डिस्कवर हुए। कौन कौन से? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, जो किसके पार्टिकल थे? एटम के पार्टिकल। मतलब एटम से भी छोटे पार्टिकल डिस्कवर हो गए। तो साइंटिस्टों के सामने समस्या आ गई कि भाई समस्या आ गई कि ये जो एटम की स्ट्रक्चर कैसी होगी। भाई अब तो एटम सबसे छोटा पार्टिकल था, एटम की स्ट्रक्चर कैसी होनी चाहिए। तो बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करे, किसी ने कुछ बताया, किसी ने कुछ। हम उसे बारी बारी से स्टडी करेंगे। मतलब एटम की बहुत कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर फाउंड हुई। अब भाई उसमें से इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी कैसे हुई, प्रोटॉन की डिस्कवरी हुई, न्यूट्रॉन की डिस्कवरी कैसे हुई, अब हम उसे बारी बारी से पढ़ रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी करने के लिए हम कैथोड की स्टडी करेंगे। तो जो बहुत सारे साइंटिस्ट थे उस समय के साइंटिस्ट थे, कौन कौन से थे? विलियम क्रूक्स, जूलियस पल्कर, जे जे थॉमसन, गोल्डस्टीन, रदरफोर्ड, बोहर, सबने अपने अपनी थ्योरी एटम के अबाउट फॉरवर्ड करी। लेकिन सबसे पहले विलियम क्रूक्स और जूलियस पल्कर ने 1879 में क्या थी, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी करने के लिए कुछ एक्सपेरिमेंट करे। क्या करे? कुछ एक्सपेरिमेंट। वो एक्सपेरिमेंट क्या थे? इन्होंने क्या ली, विलियम क्रूक्स और जूलियस पल्कर ने एक ग्लास ट्यूब ली। किसके लिए? एक डिस्चार्ज ट्यूब ली। क्या ली? एक डिस्चार्ज ट्यूब। वो डिस्चार्ज ट्यूब किसकी थी? वो डिस्चार्ज ट्यूब थी जी ग्लास ट्यूब थी, कांच की थी। उसमें उन्होंने क्या कर लिया, सबसे पहले वैक्यूम अराइज करा। क्या करा? वैक्यूम अराइज करा। क्या करा उन्होंने? सबसे पहले वैक्यूमराइज करा। इसमें जो इसमें इम्प्योरिटी हो, मॉइस्चर हो, वो सब इम्प्योर, वो सब चला जाए। और इस इन्होंने डिस्चार्ज ट्यूब में इसका नाम क्या है, इसका नाम है, देखो मैं इधर दिख रहा हूँ, यहाँ डिस्चार्ज ट्यूब। इन्होंने डिस्चार्ज ट्यूब में वैक्यूमराइज करने के बाद उसके बाद इन्होंने क्या करी, इसमें गैस फिल्ड करी। क्या करी? कोई गैस। क्या करी? कोई गैस। मैंने हटा रहा हूँ डिस्चार्ज ट्यूब का एक्सपेरिमेंट किन्होंने करा 1879 में, जूलियस पल्कर और विलियम क्रूक्स ने। इन्होंने क्या की 60 सेंटीमीटर की डिस्चार्ज ट्यूब ली, जो ग्लास बनी हुई, कांच की बनी हुई, उसमें इन्होंने दो मेटल इलेक्ट्रोड फिट करे। क्या करे? दो मेटल इलेक्ट्रोड, किसी भी मेटल के हो सकते हैं, और डिस्चार्ज ट्यूब में कोई भी गैस ले सकते हैं। सबसे पहले इन्होंने कौन सी गैस ली? हाइड्रोजन गैस। कौन सी गैस ली? हाइड्रोजन गैस। अलग अलग प्रेशर पे लिए जाएंगी, प्रेशर की तीन कंडीशन होगी। और क्या करा, इस डिस्चार्ज ट्यूब को किससे, दो इलेक्ट्रोड के थ्रू, कैथोड और एनोड के थ्रू क्या कर दिया, इसे जोड़ दिया। और किसकी हेल्प से जोड़ा? बैटरी की हेल्प से। बैटरी कितनी लगाई? 10,000 वोल्ट की, 10,000 वोल्ट। क्या है ये, कोई की है इसके थ्रू? जी,
अब क्या करें, ये इस साइड क्या लेफ्ट साइड, ये कैथोड है, ये कैथोड, ये क्या है जी एनोड, क्या है जी एनोड, एनोड पर पॉजिटिव साइन सर, कैथोड पे नेगेटिव साइन, क्यों बैटरी के जो नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ा होगा वो कैथोड, बैटरी के जो पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा होगा वो क्या होगा एनोड। अब इस डिस्चार्ज ट्यूब में क्या ले ली, गैस फिल कर ली। सबसे पहले हम हाइड्रोजन गैस का एक्सपेरिमेंट बता रहे हैं, और भी गैसें ले सकते हैं पर सबसे पहले हाइड्रोजन गैस के लिए देख रहे हैं। अब क्या है, यहाँ एक कंडीशन है, गैस ली क्या है, यहाँ प्रेशर की तीन कंडीशन। फर्स्ट कंडीशन देखिए सर, हाइड्रोजन गैस ले रहे हैं, कितने एटमोसफेयर पर प्रेशर क्या होना चाहिए, प्रेशर होना चाहिए 180 क्या होना चाहिए 180 सर, ले ली 180 पर H2 गैस ले ली, और बैटरी की हेल्प से जब क्या करा 10,000 वोल्टेज का करंट प्रोवाइड कराया, तो ऑब्वियसली क्या होगी, क्या होनी चाहिए थी, इलेक्ट्रिसिटी पास होनी चाहिए थी, इलेक्ट्रिक कंडक्ट होनी चाहिए थी। तो क्या देखते हैं, दोनों इलेक्ट्रोड के बीच में कोई भी करंट फ्लो नहीं होता, ये दो इलेक्ट्रोड के बीच में कोई ग्लो या कुछ दिखाई देता है, मतलब करंट फ्लो नहीं हो पा रहा है, करंट फ्लो नहीं हो पा रहा है। तो आप कह सकते हैं इस कंडीशन में, हम कह सकते हैं जब प्रेशर क्या है 180, जब प्रेशर क्या है 180, तो क्या कहेंगे, जो भी गैस लेंगे 180 प्रेशर पर जो गैस है वो क्या है, गैस इज पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सर दिख रहा आपको, क्लियर पता चल रहा है जी। अब आ सुनो, साउंड से और क्लियर हो जाएगा। अब सेकंड कंडीशन में क्या ले रहे हैं, हम सेकंड कंडीशन में यहां दिखा रहा हूं, एंड द प्रॉब्लम। अब हमने प्रेशर रिड्यूस कर दिया, क्या करा, प्रेशर रिड्यूस, प्रेशर रिड्यूस कितना, 10^-2, 10^-2 एटीएम जी सर। तो क्या देखते हैं दो, अब क्या है भाई, बैटरी की हेल्प से फिर दोबारा करंट, बैटरी की हेल्प से फिर दोबारा वोल्टेज प्रोवाइड कराई, और क्या है देखते हैं दोनों इलेक्ट्रोड के बीच में करंट पास हो गया, करंट पास हो गया, और देखते हैं दोनों इलेक्ट्रोड के बीच में क्या कर रही है, कुछ ग्लो दिखाई दे रही है, क्या दिखाई दे रही है, कुछ ग्लो दिखाई दे रही है, कुछ चमक दिखाई दे रही है। अरे यार वो कैसी चमक हो सकती, क्वेश्चन आएगा अचानक कोई, यहाँ लाइट अभी कोई, जैसे कोई डार्क रूम है उसमें कोई अचानक कोई बैटरी जला दिया, कोई कुछ चमकने लगे, तो वो किस चीज़ की चमक है, किस चीज़ की ग्लो है, वो तो क्वेश्चन होंगे ना, उसके लिए क्या करें, उसके लिए एक्सपेरिमेंट करेंगे। अब इसका मतलब क्या हो गई, प्रेशर रिड्यूस करने पर गैस होगी आयनाइज होगी, क्या होगी, गैस आयनाइज होगी, जब गैस आयनाइज होगी तो दोनों इलेक्ट्रोड के बीच में क्या होगी, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी, करंट पास होगी, करंट पास होगी सर। दूसरी बात, थर्ड कंडीशन क्या है सर, थर्ड कंडीशन क्या है, प्रेशर और रिड्यूस कर रहा है कितना, 10^-480 10^-480 तो इस बार ध्यान से सुनना, इस बार दोनों इलेक्ट्रोड के बीच में भाई करंट तो पास हो रही है, करंट तो फ्लो हो रही है, लेकिन दोनों इलेक्ट्रोड के बीच में जो ग्लो दिखाई दे रही थी वो ग्लो दिखाई देनी बंद हो गई, वो ग्लो दिखाई देनी बंद हो गई। अरे यार अच्छा जी, क्या करा, लेकिन जब इन्होंने क्या लिया, अब इन्होंने कुछ चेंज करा, इस एनोड की जगह, इस एनोड के प्लेस पर तीसरी कंडीशन में कैसा एनोड लिया, परफोरेटेड एनोड यूज करा, मतलब होल वाला, इसमें क्या थे कुछ होल थे, तो
इन्होंने सोचा, इन्होंने अंदाजा लगाया जूलियस विलियम फोर्स ने कि ये जो कैथोड है इसके साइड से कुछ रेज आ रही, क्या रही, कुछ रेज देखते ये यहाँ से पास होके कहाँ टकरा दी, एनोड के, ये एनोड के पीछे जो है इस ग्लास की वाल है इससे टकरा दी है ना। अभी तक कुछ पता नहीं चला, लेकिन जैसे हमने यहाँ क्या करी एनोड में ग्लास के पीछे, एनोड के पीछे एक ग्लास की वाल पर क्या लगाई, स्क्रीन लगाई, क्या लगाई, स्क्रीन लगाई, इसकी जिंक सल्फाइड थी, स्क्रीन किसकी ZNS, थोड़ा हो रहा है ध्यान रखना, स्क्रीन लगाई किसकी, जिंक सल्फाइड की, तो ग्रीनिश येलो ग्रीनिश कलर, ग्रीनिश ग्लो कहाँ दिखाई दे रही है, एनोड के पीछे ग्लास की बार पर दिखाई दे रही है। तो इन्होंने, ये जो साइंटिस्ट थे उस टाइम के, इन्होंने सोचा भाई जब तक ये बंद था, जब तक क्या था, ये पूरा एनोड था, परफेक्टेड नहीं था, होल वाला नहीं था, तो ग्लो दिखाई देनी बंद हो गई थी कब, जब प्रेशर रिड्यूस कर दिया था 10^-4 ATM पर है ना। तो ये इन्होंने क्या करे, होल कर दिए, तो यहाँ जब स्क्रीन लगाई तो ग्रीनिश ग्लो दिखाई दी। तो उन्होंने सोचा साइंटिस्ट ने, यार ये जो कैथोड है इसके साइड से कुछ रेज आ रही है, कैथोड की साइड से रेज आ रही है, और ये कभी तो क्या कर रही है, ये दोनों इलेक्ट्रोड के बीच में ग्लो दिखाई दे रही है, कभी क्या कर रही है, एनोड के पीछे जब परफेक्टेड एनोड लिया उसके पीछे ग्लास की वाल पर जब जिंक सल्फाइड की स्क्रीन लगाई क्या दिखा रही है, ग्रीन ग्लो दिखाई दे रही है। इसका मतलब इधर से कुछ रेज आ रही है किसी साइड से कैथोड की, इसने इन रेज को, ये जो रेज हैं, इन रेज को क्या नाम दिया गया, कैथोड रेज, क्या नाम दिया गया, कैथोड रेज, ये जो रेज आ रही है इनका नाम क्या है जी, कैथोड रेज, कैथोड रेज जी सर, क्लियर। अब इन्होंने आगे बताया, आगे बता रहे हैं कुछ ये,
जिंक सल्फाइड का कोटिंग कर दी, स्प्रे बन गई। तो क्या देखते हैं यहाँ, एक शैडो दिखाई दे रही है, क्या दिखा रही है, साफ शैडो दिखाई दे रही है। इससे क्या आप सोच सकते हैं, क्या पता लगा सकते हैं, इसका क्या रिजल्ट हो सकता है? आप एक बार बताइए, आप कहीं जैसे इधर से लाइट आ रही है, लाइट ये सिंपल लाइट है, सिंपल लाइट कैसे चलता है, स्ट्रेट लाइन में कैसे चलता है, स्ट्रेट लाइन में। अब देखो इतना तो दिख रहा होगा आपको, यहाँ बोर्ड पे भी दिख रहा। इस लाइट के सामने मैंने अपना हैंड रख दिया, तो मेरे हैंड की साइडो कहाँ बन रही है, बोर्ड पे बन रही। इस हैंड ने क्या कर दिया, इससे जो लाइट से रे जानती ने रोक दिया, उसी साइडो इसी देखो दिखाई दे रही है। सिंपल लाइट किस में चल रहा है, स्ट्रेट लाइन में। सिंपल लाइट किस में चल रहा है, स्ट्रेट लाइन में। इससे जस्ट पीछे क्या बन रही है, साइडो बन रही है, क्या बन रही है, साइडो। सिमिलरली इस कैथोड से जो रे जानती इनके सामने क्या रख दिया, कोई ऑब्जेक्ट रख दिया, उसकी यहाँ स्क्रीन लगा दी, क्या बन गई उसकी, देखो साइडो दिखाई दे रही है, क्या दिखाई दे रही है, साइडो। यस, इससे क्या कह सकते हैं आप, इससे क्या रिजल्ट निकल रहा है बताइए। इससे रिजल्ट निकल रहा, रिजल्ट फर्स्ट, कैथोड रेज, कैथोड रेज ट्रबल, कैथोड रेज ट्रबल, कैथोड रेज ट्रबल इन स्ट्रेट लाइन, कैथोड रेज ट्रबल इन स्ट्रेट लाइन, ट्रबल इन स्ट्रेट, स्ट्रेट। ये फर्स्ट रिजल्ट निकला है किससे, इस एक्सपेरिमेंट से। अब मैं थोड़ा एक्सपेरिमेंट में मॉडिफिकेशन कर रहा हूँ, क्या ये हटा दिया सब, जी अब क्या रख दिया, कोई लाइट पैडल व्हील रख दिया, किसका, मीका था, किसका, मीका था, ये एक्सेल है, क्या ये एक्सेल है जी, वेट का मतलब बिल्कुल मिनिमम नहीं कर सकते, नेगलेक्ट नहीं कर सकते। अब देखो जैसी ये कैथोड रे जा रही है, यहाँ इसे पुश करेगी, अच्छा एक ही थोड़ी है, ये रेगुलर आ रही है, रेगुलर। अब यहाँ तीन कंडीशन फिल करेंगे, यहाँ बैटरी जो है वो अलग अलग वोल्ट की लेंगे, है ना, उससे कुछ पता चलेगा कि आ रही है। तो ये जैसी क्या करेंगी, इस मीका के पैडल व्हील से टकराएंगी, है ना, इसे स्ट्राइक करेंगी, तो क्या आएगा, ये मूव करेगा, क्या करेगा, ये मूव करेगा, यस और नो, यस। अब मैं देखो एक नई चीज बता रहा हूँ, अब एक बार इसमें बैटरी फिट करी 8000 वोल्ट की, या इससे कम की ले लो, एक बार 10000 वोल्ट की, एक बार इससे ज्यादा ही कर सकते हैं। सबसे पहले 8000 वोल्ट की बैटरी ले रहे, पूरा सेटअप चालू कर दिया, बैटरी के अंदर मतलब वोल्टेज प्रोवाइड कराई, तो इलेक्ट्रिक कंडक्ट होगी, पास होगी, तो ये पैडल भी थोड़ा थोड़ा घूमना शुरू करता, बहुत कम कम, जब बैटरी 8000 की है उससे कम वोल्ट की। अब क्या है दूसरी कंडीशन में, 10000 वोल्ट की ले लो, तो ये थोड़ा तेज घूमना शुरू कर देता, ये जो मीगा का पैडल भी है। अब बैटरी और हाई वोल्टेज की ले लो, तो ये और तेज घूमता है, ये और तेज घूमता है। अब देखो यहाँ से रेगुलर रेगुलर रेस निकल रही है, रेगुलर जिसे टकरा दिया, जैसे क्या करी, मूव करा रही, क्या करा रही, मूव करा रही, एक रेज, दो रेज, तीन रेज, बहुत सारी है, नंबर मिलियन कह सकते, जितनी बहुत सारी कह सकते हैं, कोई काउंटिंग नहीं कर रहे हैं। इससे क्या रिजल्ट निकल रहा है, इस कैथोड से कौन सी, ये जो कैथोड से कौन सी रेज आ रही है, कैथोड रेज, कौन सी जा रही है, कैथोड रेज सर, ये सुन लो,
थ्री ईयर्स दिमाग कर रहे हैं, ऐसे नहीं मूव कर रहा, हम पीछे से पुश कर रहे हैं, ये तो आगे बढ़ रहा है, बताओ ये सुन लो। इसका मतलब जो पुश करने वाला है, जो पुश कर रहा है, इसका कुछ ना कुछ बैलेंस, रेस की कुछ ना कुछ वेलोसिटी तो है, जब वेलोसिटी होगी तो कुछ काइनेटिक एनर्जी होगी, रेज का कुछ ना कुछ मास तो होगा, क्योंकि सर रेज है, ये सुनो, अलग रेज की वेलोसिटी, अलग रेज की काइनेटिक एनर्जी, तो ईच रेज का कुछ ना कुछ मास होगा, ये सुनो, तो क्या कह सकते है, सब क्या है, कैथोड रेज, क्या है कैथोड रेज, तो ये जो रेज है, ये जो रेज है कैथोड रेज, जो क्या चल रही है, कहाँ ट्रेवल कर रही थी, स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रही थी, ये किससे मिलकर बनी है, मटेरियल पार्टिकल से, किससे मिलकर बनी है, मटेरियल पार्टिकल, कैथोड रेज मेड अप मटेरियल पार्टिकल, सेकेंड दो कमेंट हो गए, दो रिजल्ट हो गए, अभी दो तीन एक्सपेरिमेंट और कर रहे हैं, करें सर नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट देखो, अब क्या करा सर, नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट, अब दोनों इलेक्ट्रोड के बीच में हमने क्या अराइज कर दिया, सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड अराइज करेंगे, उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड, हमने पहले क्या करा, इलेक्ट्रिक फील्ड अराइज करा, ये आउटर सोर्स है, ये प्लस, ये माइनस, ये जो रेज आ रही है कैथोड की साइड से, कहां से, कैथोड की साइड से, ये क्या करती है, नेगेटिव प्लेट की, इलेक्ट्रिक फील्ड में दो प्लेट है, पॉजिटिव प्लेट, नेगेटिव प्लेट, ये नेगेटिव प्लेट की ओर से क्या होती है, रिफ्लेक्ट होती है, डिफ्लेक्ट होती है, और किसकी ओर अटैक्ट होती है, पॉजिटिव प्लेट की ओर, इससे क्या रिजल्ट निकल रहा है बताइए, कहां अटैक्ट हो रही है, पॉजिटिव प्लेट की ओर, किससे डिफ्लेक्ट हो रही है, नेगेटिव प्लेट से, इससे रिजल्ट क्या निकल रहा है, ये जो कैथोड रे जो थी, ये जो ट्रबल कर रही थी स्ट्रेट लाइन में, जो किससे मिलकर बनी थी, मटेरियल पार्टिकल से मिलकर बनी थी, ये कौन सा चार्ज कैरी कर रही है, कैथोड रेज थर्ड पॉइंट है, कैथोड रेज कैरी नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, कैथोड रेज कैरी नेगेटिव चार्ज, ये रेज किससे मिलकर बनी है, निगेटिव चार्ज से मिलकर बनी, एक रेज एक निगेटिव चार्ज, देखो मैंने क्या बताया था, इनकी कुछ वेलोसिटी होगी, कुछ काइनेटिक एनर्जी होगी, तो इस रेज का कुछ मास होगा, इन्हीं कैथोड रेज को एक कैथोड रेज को, देखो क्या बोलते हैं इलेक्ट्रॉन, क्या बोलते हैं इलेक्ट्रॉन, क्या बोलते हैं इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे भी जब प्रैक्टिकल किया कैसा चार्ज आया, नेगेटिव चार्ज आया, कैथोड रे नेगेटिव चार्ज है, और इनका मास कैथोड रेज का बिल्कुल इलेक्ट्रॉन के मास के इक्वल है, किसके है, मतलब कैथोड रेज ही क्या है, इलेक्ट्रॉन है, कैथोड रेज ही क्या है, इलेक्ट्रॉन है, बट एक एक्सपेरिमेंट और रह रहा है, क्या ये भी तो आपने क्या करा था, इलेक्ट्रिक फील्ड अराइज कराया था, अब क्या करा, अब आपने मैग्नेटिक फील्ड अराइज कराया, क्या करा, मैग्नेटिक फील्ड, साउथ पोल कि नॉर्थ पोल, ये जो रेज है कहां से चल रही है, कैथोड से चल रही है, ये क्या हो रही है, ये उस डायरेक्शन में, ये उस डायरेक्शन में अटैक्ट होती है, ये उस डायरेक्शन में अटैक्ट होती है, या उस डायरेक्शन से डिफ्लेक्ट होती है, जो इनके सेम चार्ज से, जो सेम चार्ज को रिपल करता है, जो सेम चार्ज को रिपल करता है, तो किस ओर मुड़ती है, ये
मैग्नेटिक फील्ड किससे मिलने वाला था, दो पोल से, एक साउथ पोल एक नॉर्थ पोल, तो कहाँ और कहाँ की ओर अट्रैक्ट हो जाती है, नॉर्थ पोल की ओर, किसकी ओर, नॉर्थ पोल की ओर, साउथ पोल उस साइड, नॉर्थ पोल इस साइड, यस। तो इससे भी क्या पता चल जाता कि ऐसा माना गया है, और आप रिसेंटली चीज़ों को आप जानते होंगे, नॉर्थ पोल कैरी निगेटिव चार्ज, मतलब मेरे अकॉर्डिंग, मुझे आप अपना फिजिक्स उससे देख सकते हैं, तो क्या पता चला इससे भी, कैथोड रे कैरी निगेटिव चार्ज, कैथोड रे कैरी निगेटिव चार्ज, यस सर। जी अब और भी प्रॉपर्टी है कैथोड रेज की, मेन प्रॉपर्टी है, तीन ही प्रॉपर्टी थी, है ना, और भी है, सपोज क्या है कैथोड रेज, आप मान लिया यहाँ से कि कैथोड रेज, कैथोड रेज ये क्या है, मेटल फॉइल, क्या है मेटल फॉइल, सपोज क्या है लाइट मेटल फॉइल, बहुत पतली, यस क्या है लाइट मेटल फॉइल है, ये मेटल सरफेस जी, तो क्या करती है मेटल सरफेस को क्या करती है, होल्ड थोड़ी देर बाद, पहले तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन दो चार मिनट बाद ये मेटल फॉइल क्या हो जाएगी, होल्ड हो जाएगी, लेटर बिकम होल्ड, ये गर्म हो गई, तो मतलब कह सकते हैं कि कैथोड रेज अराइज हीटिंग इफेक्ट, कह सकते हैं कैथोड, कैथोड रेज अराइज हीटिंग, हीटिंग इफेक्ट। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी, नेक्स्ट प्रॉपर्टी सर ये है, ये प्रोड्यूस हीटिंग इफेक्ट कह सकते हैं, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है सर क्या है, कोई गैस है सपोज, अब इसमें क्या कर दी, ले सकते हैं 1 ATM, इसमें कौन सी गैस पास कर दी, कैथोड रे पास कर दी, कैथोड रे पास कर दी, तो ये गैस, ये जो इसमें गैस थी, इसमें जो गैस की हो क्या होगी, आयनाइज हो, आयनाइज हो, तो कैथोड रेज क्या करती है, आयनाइजेशन शो करती है, आयनाइजेशन इफेक्ट शो करती है, आयनाइजेशन इफेक्ट, किसी गैस को आयनाइज कर देती है, क्या कर देती है आयनाइज, कब, जब उस गैस में पास कराई जाए, ऐसे नहीं, यस। नेक्स्ट प्रॉपर्टी 5 होगी, अब प्रॉपर्टी 6, नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, कैथोड रे क्या है, जब ये क्या है, कोई ये कोई सरफेस है, किसकी, हार्ड मेटल, हार्ड मेटल, टंगस्टन, टंगस्टन या मोलिब्डेनम, टंगस्टन को डब्ल्यू सेंटीग्रेड करते हैं, या मोलिब्डेनम हो सकता, हार्ड मेटल करती, तो इसे एक नई टाइप की रेज, म्यू रेज, म्यू रेज अमिट होती है, उन रेज का क्या नाम है, एक्स रेज, क्या है, एक्स रेज, यदि किसी हार्ड मेटल की सरफेस पर किसकी स्ट्राइक कराई जाए, कैथोड रेज की स्ट्राइक कराई जाए, तो एक न्यू टाइप रेज निकलती है, वे क्या है, एक्स रेज, वे क्या है, एक्स रेज, एक्स रेज के बारे में आपने सुना है ढंग से, बहुत कुछ सुना है, यस सर। नेक्स्ट जी, नेक्स्ट क्या है जी, तो जी हाँ, नेक्स्ट ये पॉइंट हो गया, ये क्या, ये एक्स रेज अराइज करती है, कौन सी, कैथोड रेज, ये थी जी 5, 6 प्रॉपर्टी थी, 7 प्रॉपर्टी, ये जो करती है फोटोग्राफिक प्लेट को अफेक्ट, फोटोग्राफिक प्लेट पर कैथोड रेज स्ट्राइक करा दी जाए, तो ये उसे खराब कर देती है, उसे ख़त्म भी कर देती है, उसका जो काम करना फोटो खींचने का, वो जो फोटोग्राफिक प्लेट का जो वर्क है प्रॉपर, वो वर्क करना बंद कर देती है, तो क्या कह सकते हैं, कैथोड रेज अफेक्ट,
कैथोड रेज अफेक्ट फोटोग्राफिक प्लेन ठीक है। अब क्या है जी, सपोज कैथोड रेज कहाँ से निकाली जा रही, अब ये दो टाइप का कंडीशन, ये सरफेस है किसी मेटल की। अब क्या है, मान लिया थिन सरफेस है, क्या है थिन सरफेस, यस, उससे कैथोड रेज क्या हो जाएगी, पास हो जाएगी, रेज पास, इजीली पास क्या हो जाएगी, इजीली पास हो जाएगी, इजीली पास, पास इजीली। लेकिन अब क्या करें, ये जो सरफेस है ये तो ठीक कर दी, मोटी सरफेस है ना, मोटी चादर लगा दी, मोटी फॉयल लगा दी है ना, तो क्या होगा, ये जो कैथोड रे उसे पास नहीं कर जाएगी, रुक जाएगी, उनका पास होना बंद हो जाएगा, उनका पास होना बंद हो जाएगा। इस इफेक्ट को बोलते हैं पेंट्रेशन इफेक्ट, क्या बोलते हैं पेंट्रेशन इफेक्ट। कैथोड रेज सो पेंट्रेशन इफेक्ट, पेंट्रेशन, पेंट्रेशन जी सर, क्लियर। ये प्रॉपर्टी होगी कैथोड रेज की, और हमने बताया कैथोड रेज किससे मिलकर बनी है, मेटल पार्टिकल से, कैसे चल रही है, स्ट्रेट लाइन में चल रही है, कौन सा चार्ज कैरी कर रही है, नेगेटिव चार्ज। तो कैथोड रेज, कैथोड रेज क्या है जी, कैथोड रेज क्या है, इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन क्या है, इलेक्ट्रॉन। जी अब क्या करें भाई, कैथोड रेज को क्या बोल देगा, इलेक्ट्रॉन बोल देगा, कैथोड रेज ही क्या है, इलेक्ट्रॉन है। कैथोड रेज किन से मिलकर बने हैं, इलेक्ट्रॉन से मिलकर बनी है, या कैथोड रेज क्या है, इलेक्ट्रॉन, बात खत्म होती है। अब दो टाइप एक्सपेरिमेंट करें, फर्स्ट एक्सपेरिमेंट करा जे जे थॉमसन ने 1897 में, सेकेंड एक्सपेरिमेंट करा 1917 में। जो फर्स्ट एलिमेंट था वो किसके डिटर्मिनेशन के लिए था, फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ, फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ रेशो ऑफ चार्ज अपॉन मास, रेशो ऑन चार्ज अपॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब क्या करा हमने, डिसाइड टू फिट करके दिखाई आपको, मेरे स्टेप के अब इलेक्ट्रोड लगा लेते तो मेटल इलेक्ट्रोड, गैस ले ली थी हाइड्रोजन। अब क्या करा इन्होंने सर जे जे थॉमसन ने, अलग अलग टाइप की, मतलब डिसाइड ट्यूब भी बहुत सारी, उसमें डिसाइड ट्यूब में अलग अलग टाइप की गैस फिल्ड करेगी, और हर बार अलग अलग मेटल के इलेक्ट्रोड लगाए गए, हर बार अलग अलग मेटल के इलेक्ट्रोड लगाए गए, लगा लिए। तो क्या आया, जब उन्होंने एक्सपेरिमेंट करे तो उन्होंने क्या निकाला, चार्ज अपॉन मास का रेशो जो आया उसी पर लिखाई 1.67 × 10⁸ कूलम पर ग्राम, माइनस लगा दो, मान जैसे लगा रहे कि इलेक्ट्रॉन कैरी निगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन कैरी निगेटिव चार्ज, कैथोड रेज कैरी निगेटिव चार्ज, कैथोड रेज का इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन कैरी निगेटिव चार्ज, माइनस है इसलिए लगा रहे, मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता, ध्यान में तो रखना पड़ेगा। तो जब दिशा ट्यूब में बेहतर चार्ज किया सली, हर बार अलग अलग टाइप के इलेक्ट्रोड लगाए, अलग अलग मैटर के इलेक्ट्रोड लगाए, जो क्या निकाला हमने, हर बार चार्ज अपॉन मास का रेशो निकाला, उसकी वैल्यू क्या इक्वल आई, सेम आई क्या, माइनस के 1.67 × 10⁸ गुणा पर ग्राम, या माइनस के 1.76 × 10⁻¹ गुणा पर केजी। दूसरा एक्सपेरिमेंट करा आर ए मुलिकन ने, आर ए मुलिकन ने 1917 में क्रिस्टल डिटरमिनेशन के लिए इलेक्ट्रॉन पर क्या चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पर क्या चार्ज होता है, उस एक्सपेरिमेंट का नाम था ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट
ये हमारे सिलेबस में नहीं है, हायर क्लास में है, समझ में नहीं आएगा आप, ठीक है, सेटअप लगाएंगे तो उसका सेटअप पूरा बनाना ही पड़ता है, ठीक है, ऐसे समझ में नहीं आता, हायर क्लास में है आप समझ से पढ़ सकते, आप यहाँ सिर्फ बताने के लिए है। तो जब सिर्फ चार निकला तो चार ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन क्या आया, चार ऑफ इलेक्ट्रॉन 1.6 यस 02 इनटू 10 टू पावर 19 कूलम, 19 कूलम या 4.803 इनटू 10 टू पावर -10 10^-10 पीएसयू, ये भी चार्ज की एक यूनिट है गुलाम, ये शू भी चार्ज की एक यूनिट है, चार्ज ये आ गया सर इलेक्ट्रॉन पर, क्या चार्ज है 1.602 10^19 गुलाम भाई, इलेक्ट्रॉन पर निगेटिव साइन होता तो हम क्या लगा सकते हैं, निगेटिव साइन क्या लगा सकते हैं यहाँ, निगेटिव साइन, नो प्रॉब्लम, ये सर ये हो गया। अब हम निकाल रहे हैं सर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, अब यहां हम निकालेंगे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे निकाल लेंगे भाई, चार्ज क्या है इलेक्ट्रॉन का, कैसे निकाल लेंगे, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन अपॉन रेशो आरटीआई रेशो ऑफ चार्ज अपॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है सर पता ना, चार्ज अपॉन मास ई अपॉन एम, ई अपॉन ई अपॉन एम, देखो इसे ही कट गया एम आ गया, बताओ एम कहाँ के ऊपर आ गया, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आप एम से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या था जी 1.602 10^-19 कूलम सर, रिलेटिव चार्ज क्या है, रिलेटिव चार्ज बोल सकते हैं आप, रेशो ऑफ चार्ज अपॉन मास, रेशो रेशो ऑफ चार्ज अपॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है, दिस माइनस दिस आल्सो माइनस 1.67 × 10^-8 कूलम पर, ये दिस कूलम कूलम पर ग्राम, कूलम से कूलम गया माइनस से माइनस गया काट फिर टू क्या आया 9.1 इंटू 10^ -28 ग्राम 28 ग्राम मेन वैल्यू ध्यान रखना, ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या निकल गए 9.11 × 10^-28 ग्राम आप क्या ले सकते हैं, केजी में कन्वर्ट करेंगे तो 9.11 दिस ऊपर से कर रहे हैं नीचे यहाँ, इससे कोई मतलब नहीं है हमारा, 9.11 × 10^-31 केजी मास ऑफ इलेक्ट्रॉन सर। नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे हम क्या, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन एंड स्टडी ऑफ एनर्जी। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।